देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मैं कुछ कीता से नहीं है इतने सारे आप सब यहाँ पे हैं तो नाके पे कौन है? विजय बुलाते हैं फिर अपने आज की पहली मेहमान को। इन सब की ऑफिसर हैं। शी वाज द फर्स्ट फीमेल एएसपी इन खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद फर्स्ट फीमेल एसएसपी ऑपरेशंस बनी पंजाब के अंदर लाहौर पुलिस की और अब इस वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं मोहतरमा डॉक्टर अनूश मसूद। वेलकम टू द शो जी। एक बहुत ही प्यारा सा शेर मैं अपनी बहना के लिए लेके आया हूँ जी। पाकिस्तान की माया नाज पुलिस ऑफिसर अनूश मसूद चौधरी साहिबा MBBS ही नहीं गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। यही नहीं ठाकुर ये पुलिस डिपार्टमेंट की बेस्ट क्राइम फाइटर भी। कामयाबियों वाली हर एक सवेर हो आहा। काम अच्छा करो चाहे उसमें देर हो। मैं रब से यही दुआ करता हूँ कैसर हर लड़की आप जैसी ईमानदार और दलेर हो। मैडम क्या हाल हैं आपके? I'm fine, thank you. बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। I was ASP जी बिल्कुल आप थी और आज देखे माशाल्लाह आप SSP। अब ये करके आप जाएंगे तो इंशाल्लाह IG भी हो जाएंगे। तू फसाना ली गल्ला कर रहा है। Good time हुआ ये। जी बिल्कुल। पहले तो ये बताएं over the years क्या चेंज हुआ है सबसे ज्यादा? I think I have lot of experience now. तजर्बा ज्यादा हो गया है, पेशेंस ज्यादा आ गया है, ठहराव आ गया है एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू वर्क एंड यू लर्न अ लॉट। सो लर्निंग ज़्यादा हुई है और फोर्स के साथ टेम्परमेंट भी बेहतर हो गया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली मशहूर थी। इसके बारे में तो हम इनसे जानेंगे, आप खुद ना कहें। और ये तो हमारी बहन है, उसमें कोई ऐसी वैसी गपशप में जुगत हो भी जाए इनको समझा दे मजाक होता है। वो तीन चार बंदे नाल हथकड़ियां लै गया है और मैं पिछे वेख्या तो कह रहे थे कैसर पीए दी या ठाकर दी ते आ वड्डी वासे दी आ। ये मेरी फोर्स है तो आप सोच समझ के मजाक करिएगा फिर। मेरी आप बहन है, मैं आज चुप हूं। आज तो कलर्स भी तकरीबन आपके करीब तरीन पहन कर आए कि बीच में कहीं मैं भी कैमोफ्लेज हो सकूं। मैं स्पेशली सर्दियों में ना जी हालांकि मैंने जुर्म तो कोई नहीं किया था, ऐसे सारे पकड़े गए तो उन्होंने मुझे हाथ रखड़ी लगाई, इतनी ठंडी हाथ कड़ी सर मन में से बुखार हो गया सर। आप सुने वो कोसा करके लगाने से रहे आप तो। मुझे बताइए डॉक्टर आप बनी उसके बाद ये पुलिस का ख्याल आपको क्यों आया? अच्छा इसके पीछे एक स्टोरी है, वो ये है कि पहले मेरा कोई इरादा नहीं था ना CSS करने का और ना पुलिस में आने का, कोई इरादा नहीं था। ये पेट्रियाटिज्म है जिसने मुझे रोका कि मेरी बाकी फैमिली अब्रॉड चली गई तो मैंने ये सोचा कि नहीं पाकिस्तान में रहना है और किसी भी कैपेसिटी में यहाँ पर सर्व करना है। सो फिर उस वक्त मेरा माइंडसेट बना कि मैं CSS करूं और मुझे यूनिफॉर्म पसंद था शुरू से। मेरे फैमिली में लोग रहे हैं आर्मी में भी और पुलिस में भी, सो इट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। सो और आई थिंक पुलिस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हैं। सर्विंग एज अ डॉक्टर वॉज ऑल्सो एन ऑप्शन बट सर्विंग एज अ पुलिस ऑफिसर आई हैव अ बिगर प्लेटफॉर्म टू सर्व द नेशन। आप जो अब SSP ऑपरेशंस हो चुकी हैं क्या इसकी वजह ये है कि आप पहले डॉक्टर भी थी? यू नो बट एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे लगता है मुझे मेडिकल प्रोफेशन ने बहुत हेल्प किया है बिकॉज आई हैव दैट डाइसेक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं, चीज़ों को कैसे डाइसेक्ट करके एंड आप जिस तरह चीज़ों को एक मैप की तरह बना लेते हैं और फिर आप फिगर आउट कर सकते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प किया है इसने मुझे। अच्छा डॉक्टर होने का फायदा भी सर, मुजरम नु कुट के टांके भी आप ला लेते हैं। ऐसी बात नहीं, मगर ये आप कह रही कि आपको वैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर फायदा हुआ है इसका? येस ऑफकोर्स बिकॉज विद अ मेडिकल बैकग्राउंड आप सबसे पहले तो पोस्टमार्टम पढ़ लेते हैं लोगों का। मेडिकल जब भी आता है मेरे सबसे ज़्यादा जो तफ्तीशी हैं उनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है जब भी मैं कहती हूँ मुझे मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम बिकॉज यू नो। सो आप समझ भी सकती हैं कि मैं वो क्या समझ भी सकती हूँ, दे कैन नॉट टेल मी एनीथिंग जो उनको नहीं आता होता बल्कि मुझे आता होता है। सो इट गेव मी अ लॉट ऑफ लेवरेज। सारी बात है दोनों काम बहुत मिलते जुलते हैं बिकॉज उसमें भी यू हैव टू डायग्नोज अ पेशेंट। मुझे इसमें डिफरेंट तरह का डायग्नोसिस करना होता है लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू द मेडिकल प्रोफेशन एज वेल जो मुझे ये लगता है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हेल्पिंग पीपल द अग्रीव पीपल, सेकेंडली यू आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। और ये उसी तरह जैसे आप मरीज का इलाज करते हैं और उसके जख्म पे मरहम रख देते हैं तो पुलिस ऑफिसर भी यही काम करता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक।
कितना मुश्किल है बीइंग अ वुमन इस स्टेज पे होना, बिकॉज एक बहुत सीनियर स्टेज है, अब आपकी ड्यूटीज बढ़ चुकी हैं, ये जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, खातून के तौर पे कितना मुश्किल है हमारे माशरे में? यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग, एंड बीइंग वन ऑफ द फ्यूज जो शुरू शुरू में आते हैं ना, बिकॉज आई यू सेट अ ट्रेंड टुवर्ड्स समथिंग, तो ट्रेंड सेटर होने में उसके अपने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बिकॉज अगर मैं अब यहाँ पे हूँ, मेरे से पीछे आने वाली ASPs दे हैव सम एग्जांपल्स, काफ़ी चैलेंजिंग है. और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, मेल डोमिनेंस इन एवरी कंट्री इट्स लाइक दिस. तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड इन मेल डोमिनेंट प्रोफेशन यू हैव टू लाइक प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू प्रूव योर मेटल, आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है. सो यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत चैलेंजिंग है. और जब भी लोग मुझे पूछते हैं कि शुड बी ज्वाइन पुलिस सर्विस, तो आई टेल देम वेरी फ्रैंकली दैट इफ़ यू हैव दैट थिंग इन योर सेल्फ कि यू कैन टेक अ चैलेंज एंड यू कैन बीट दैट, तब इस सर्विस को ज्वाइन करना है, ये किसी ख्याल में नहीं आना कि हम. सपोर्ट आपको कहाँ से मिलती है, बिकॉज आपको इस तरह के पोजिशन में सपोर्ट फैमिली और उधर से चाहिए है जी. सो वो क्या सोर्स रही है आपके लिए, और ये तमाम ख्वातीन जो काम कर रही हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से पीछे घर से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ थोड़ा अपनी स्पेस खुद बनानी भी पड़ती है. फैमिली वाले समटाइम्स यू नो, मेरी मदर ने जब सुना था कि मैंने फर्स्ट चॉइस पुलिस रख दी है, तो शी वॉज टेकन अ बैक एंड देन आई हैड टू टेल हर कि इस तरह है. शी वॉज अफ्रेड फॉर मी कि ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों रख लिया, पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस क्यों रखी. मेरे घर वालों को इस पर थोड़ा सा शुरू शुरू में था. देर इज़ अ सेइंग यू नो, ओनली पैशन कैन बीट द बेस्ट लॉजिक. सो अगर आपके अंदर वो पैशन है, तो वो हर लॉजिक जो है वो आप पीछे छोड़ देंगे, एंड देन यू विल जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क एंड यू विल ट्राई टू प्रूव योर